चैप्टर 5 पार्ट 8 OSPF पार्ट 2। दोस्तों मेरा नाम भावेश पांडे है और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे OSPF को। लास्ट वीडियो जो कि हमारी OSPF की फर्स्ट वीडियो थी, हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए OSPF के बारे में और इस वीडियो में हम उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे और OSPF के बारे में और आगे जाके जानेंगे। इस वीडियो का पर्पज़ है आपको बताना कि OSPF में एरियाज क्या होते हैं, प्रोसेस आईडी क्या होती है, राउटर आईडी क्या होती है और साथ ही मैं आपको OSPF कॉन्फ़िगर करना सिखाऊंगा एक छोटे से नेटवर्क में। छोटे से शुरुआत करेंगे ताकि आप इसे बड़े लेवल पे कॉन्फ़िगर करना सीख जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। OSPF ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। OSPF एरियाज। OSPF एरिया क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूं। एक बड़े नेटवर्क में काफी सारे राउटर्स हैं, बहुत सारे राउटर्स हैं जिनमें OSPF चल रहा है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हर राउटर अपने टोपोलॉजी टेबल में सारी टोपोलॉजीज के बारे में एंट्री करता है, जितने भी बेस्ट रूट होते हैं, बेस्ट पाथ होते हैं, उनकी एंट्री करता है। तो आप एज्यूम कीजिए कि जैसे जैसे राउटर बढ़ते चले जाएंगे नेटवर्क में, वैसे वैसे राउटर का लोड बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो हर एक पाथ, चाहे वो पाथ फास्टेस्ट हो चाहे स्लोएस्ट हो, वो हर एक पॉसिबल पाथ अपने पास एंट्री करेगा और इस तरीके से उसका लोड बढ़ता चला जाएगा। तो इसी चीज को कम करने के लिए OSPF में एरियाज का कंसेप्ट डिफाइन किया गया। एरियाज करता क्या है, एरिया OSPF के नेटवर्क में ग्रुपिंग कर देता है, मतलब इन राउटर्स को एक छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने से क्या हुआ, अब एरिया में डिवाइड कर दिए तो एरिया, जैसे एरिया जीरो है तो एरिया जीरो के राउटर्स को एरिया वन के राउटर से कोई मतलब नहीं है, वो टोपोलॉजी टेबल किसकी अपने पास एंट्री करेंगे, उन्हीं राउटर्स की जो एरिया जीरो में है। तो मतलब वो अपने नेबर को अपने नेबर तभी मानेंगे जब वो एक एरिया में होंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं कि और जानते हैं कि कैसे ये काम करता है। पहले सबसे पहले इसकी थ्योरी रीड करते हैं। OSPF यूज द कंसेप्ट ऑफ एरिया एंड एरिया इज अ लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ राउटर्स। ऑल राउटर इन अ सेम एरिया हैव द सेम टोपोलॉजी टेबल बट दे डोंट नो अबाउट द राउटर इन अ अदर एरिया। जैसा कि हमने बताया कि अगर अपने ही राउटर के, अपने ही एरिया के राउटर्स की वो टोपोलॉजी टेबल मेंटेन करेगा, उससे कोई मतलब नहीं है कि दूसरे एरिया में राउटर्स में क्या टोपोलॉजी है। द मेन बेनिफिट ऑफ क्रिएटिंग द एरिया इज द साइज ऑफ टोपोलॉजी एंड राउटिंग टेबल ऑन अ राउटर इज रिड्यूस्ड। लेस टाइम इज रिक्वायर्ड टू रन SPF एल्गोरिथम। SPF एल्गोरिथम यूज होती है OSPF में, डिस्कस किया था हमने, तो उसको रन होने में कम से कम टाइम लगेगा। जैसे जैसे एरिया ग्रुपिंग हम कर देंगे वैसे वैसे कम टाइम लगना शुरू हो जाएगा एंड द राउटिंग अपडेट्स आर आल्सो रिड्यूस। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं, हमने टोपोलॉजी का साइज कम कर दिया तो राउटर को बेनिफिट हुआ, राउटिंग टेबल जो है वो रिड्यूस हो गई तब भी राउटर को बेनिफिट हुआ, SPF एल्गोरिथम को रन होने में कम टाइम लग रहा है ये भी राउटर का बेनिफिट है, अपडेट्स मल्टीकास्ट करता है वो आपको पता है तो वो उसमें भी टाइम हमारा बच गया, तो ओवरऑल राउटर का लोड जो है बहुत कम हो गया। अब एरिया में कैसे हम इसको करते हैं, ईच एरिया इन OSPF हैज टू कनेक्ट द बैकबोन एरिया। एरिया जीरो, एरिया जीरो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए जानना। आपके पास छोटा नेटवर्क है, टोटल आपके पास फॉर एग्जाम्पल 5 से 6 राउटर्स हैं, आप नहीं चाहते कि उसकी ग्रुपिंग करना है, आपको पता है कि आपके नेटवर्क में इतना लोड नहीं है और 5-6 राउटर्स आपने लगा रखे हैं, तो आप उनको एक ही एरिया में डिफाइन कर, एरिया बनाना तो बहुत जरूरी है, तो आप नहीं चाहते कि एक से ज्यादा एरिया हो, तो आपको एरिया क्या रखना पड़ेगा, एरिया जीरो। एरिया जीरो को बोलते हैं बैकबोन एरिया। अगर एरिया बहुत सारे नहीं बनाने तो एक एरिया तो बनाना पड़ेगा जो कि मैंडेटरी है, और वो एरिया कौन सा होगा, एरिया जीरो। तभी तो राउटर को पता लगेगा कि मेरा जो पड़ोसी राउटर है उसके पास भी एरिया यही है जो मेरे पास है, हम लोग एक ही एरिया के हैं, मतलब हमें दोनों की टोपोलॉजी मेंटेन करके रखनी है। एरिया जीरो मैंडेटरी है, ये बात क्लियर हो गई।
ईच एरिया इन ओ एस पी एफ नेटवर्क हैज टू कनेक्ट विद द बैकबोन एरिया. अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि एरिया जीरो जो होता है, जो कि इनका बैकबोन एरिया होता है, सभी एरिया को डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके साथ कनेक्टेड होना पड़ेगा. ऑल राउटर इनसाइड एन एरिया मस्ट हैव द सेम एरिया आईडी टू बिकम ओएसपीएफ नाइबर. ये हमने डिस्कस कर लिया कि एरिया राउटर तभी पहचानता है दूसरे राउटर को, पहले सबसे पहले वो एरिया देखता है. अगर एरिया वही है जो मेरे पास है तो हम पड़ोसी हैं, पड़ोसी हैं तभी हम आगे हेलो पैकेट भेजेंगे और डिस्कशन करेंगे. ठीक है, अब बैकबोन एरिया दिखता कैसा है, मतलब कैसे लॉजिकली हम इसको डिफाइन करेंगे. जैसे राउटर वन था, राउटर टू, राउटर थ्री और राउटर फोर, ये चार राउटर हैं. हमने क्या किया, हमने एक लॉजिकली ग्रुपिंग कर दी और इन चारों राउटर के अंदर हमने एंट्री कर दी कि आप एरिया जीरो का पार्ट हो. तो ये राउटर, सिर्फ चार राउटर आपस में कम्युनिकेट करेंगे क्योंकि, और टोपोलॉजी टेबल आपस की मेंटेन करेंगे क्योंकि एरिया जीरो इनमें डिफाइन किया गया है. एक और राउटर हमने बाद में रिक्वायरमेंट भरी, राउटर फाइव की हमने दोबारा ऐड किया, मगर हमने इसको एरिया दे दिया वन. अब राउटर फाइव का राउटर वन से कोई लेना देना नहीं है, राउटर फाइव अपने एरिया की टोपोलॉजी मेंटेन करेगा. अगर आर फाइव के साथ कोई आर सिक्स तो यहाँ पे है, आर सेवन, आर एट कुछ भी लगा देते, नए नए राउटर लगाते तो, और उनको एरिया वन दे देते तो आपस में ये लोग एंटरटेन करते, आपस में अपने आप ये टोपोलॉजी टेबल मेंटेन करते और आर एरिया जीरो अपने आप में. वैसे ही यहाँ पे है, एक अलग एरिया डिफाइन कर दिया एरिया टू. एरिया टू का एरिया जीरो से कोई मतलब नहीं है, ये अपनी टोपोलॉजी टेबल मेंटेन करेगा, वो अपनी टोपोलॉजी टेबल मेंटेन करेगा. ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर टू देखते हैं. अ राउटर दैट हैज इंटरफेस इन मोर देन वन एरिया इज कॉल्ड एरिया बॉर्डर राउटर. अब एक बात बताइए, हमने ग्रुपिंग तो कर दी मगर हमारा ओवरऑल पर्पस क्या था, आपस में सभी राउटर्स की कनेक्टिविटी. कनेक्टिविटी ब्रेक कर देंगे तो नेटवर्किंग का कंसेप्ट ही खत्म है. अब हमें कोई तो ऐसा राउटर चाहिए था जो दो एरिया की आपस में कनेक्टिविटी कराए, तो उस राउटर को जो दो एरियाज की कनेक्टिविटी कराता है उसको बोलते हैं एरिया बॉर्डर राउटर. कौन सा होता है वो राउटर, जैसे एरिया वन है और एरिया जीरो है. अब एरिया जीरो और एरिया वन की कनेक्टिविटी कौन करवा रहा है, आर थ्री. इसके एक इंटरफेस में हमने एंट्री कर दी कि आप एरिया जीरो का पार्ट हो, एक में कर दिया आप एरिया वन का पार्ट हो, तो ये बन गया हमारा एबीआर. वैसे ही आर फोर भी हमारा एबीआर है क्योंकि ये एरिया टू की और एरिया जीरो की कनेक्टिविटी करवा रहा है. ठीक है, अब हमें पॉइंट नंबर वन भी क्लियर हो गया है, पॉइंट नंबर टू भी क्लियर हो गया है. अब आते हैं पॉइंट नंबर थ्री में. पॉइंट नंबर थ्री कहता है अ राउटर दैट कनेक्ट एन ओएसपीएफ नेटवर्क टू अदर राउटिंग डोमेन इज कॉल्ड ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर. कहने का मतलब ये कि सबसे पहले नेटवर्क डायग्राम देखिए. एक राउटर था जिसमें एक आईएसपी से आई हुई केबल लग रही थी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने एक इंटरनेट के लिए केबल दी जिसमें फॉर एग्जांपल प्रोटोकॉल चल रही थी EIGRP, या फिर आप आईएसपी की जगह मान सकते हैं कहीं दूसरे नेटवर्क से केबल आई जिसमें ओएसपीएफ नहीं चल रहा था, उसमें चल रहा था EIGRP या कोई और प्रोटोकॉल चल रही थी, और दूसरे एंड पे क्या है, हमारा पूरा का पूरा ओएसपीएफ का एरिया. तो ऐसा राउटर जो दो अलग अलग प्रोटोकॉल के केस में कनेक्टिविटी करवाता है उसको बोलते हैं ASBR, ऑटोनॉमस सिस्टम बॉर्डर राउटर. यहां कोई और प्रोटोकॉल और दूसरी तरफ हमारा एरिया वाला कंसेप्ट. ठीक है, अब हमारा पॉइंट नंबर टू भी क्लियर हो गया. अब हमारे पास बची दो स्लाइड. इस गूगल स्लाइड में मुझे आपको बताना है कि प्रोसेस आईडी क्या होती है. इस गूगल स्लाइड में आपको बताना है कि राउटर आईडी क्या होती है. ठीक है, इससे पहले प्रोसेस आईडी और राउटर आईडी आपको बताने से पहले मैं एक नेटवर्क डायग्राम आपके सामने बना देता हूं ताकि करते करते मैं आपको समझाऊंगा तो बेटर आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे. ये दो सिस्टम लगे हुए हैं, इनमें मैंने पहले से ही आईपी डाला हुआ है. आईपी आप देख रहे हैं 192.168.1.10 है. यहां पे क्या है 2.10. ठीक है, यहां पे 2.10, यहां 1.10. अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए दो राउटर, एक दो. अब हमें क्या चाहिए, केबल, क्रॉसओवर केबल.
कनेक्टिविटी F0/0 से इस पोर्ट पे F0/1 से। अब देखिए मैंने जो पहले यहाँ पे नोट पैड से मेंशन किया हुआ था, ये पोर्ट जो है वो F0/1 है, आईपी एड्रेस हमें ये डालना है, ये पोर्ट F0/0 है, आईपी हमें 10.2 डालना है, यहाँ पे F0/0 है ये पोर्ट, आईपी हमें डालना है 10.0.0.1, यहाँ पे 192.168.1.1 डालेंगे, पोर्ट नंबर है F0/1। तो हमें बार बार पोर्ट में कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए मैंने पहले ही यहाँ पे नोट कर रखा है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो आईपी कन्फिगरेशन होगी, अनेबल कॉन्फिगर टर्मिनल इंटरफेस F0/1 कन्फिगर करें, आईपी एड्रेस 192.168.1.1 255.255.255.0 नो शट चलाना ना भूलें कभी भी, इंटरफेस F0/0 उसके ऊपर वाला आईपी एड्रेस 10.0.0.1 255.0.0.0 नो शट, ठीक है। अब आई इस राउटर की बारी, राउटर नंबर 2 हमारा, इसमें भी सेम प्रोसेस करना है, जल्दी से हम आईपी कॉन्फ़िगर कर देते हैं, अनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस F0/0 आईपी एड्रेस 10.0.0.2 255.0.0.0 नो शट एग्जिट इंटरफेस F0/1 आईपी एड्रेस 192.168.2.1 255.255.255.0 नो शट, ठीक है। सारे पॉइंट हमारे इंटरफेस ग्रीन हो गए। अब हमें क्या करना है, हमारा जो पर्पज है वो है कि इन दोनों कंप्यूटर्स की आपस में कनेक्टिविटी हो जाए, और कौन सी प्रोटोकॉल यूज करके, OSPF प्रोटोकॉल यूज करके। तो चलिए OSPF कैसे कन्फिगर करते हैं अब ये सीखते हैं। सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में, लास्ट टू लास्ट में जब हम रिप कन्फिगर करना सीख रहे थे तो उसकी कमांड आपको याद है, उसमें हम लिखते थे राउटर रिप, इसमें क्या लिखेंगे, राउटर OSPF, मगर मैं एंटर मारूंगा तो ये कमांड नहीं लेगा, ये बोलेगा इनकम्प्लीट कमांड। ऐसा क्यों, बैक जाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, इसने बोला प्रोसेस आईडी, प्रोसेस आईडी क्या होती है, स्लाइड में वापस जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको, अ पार्ट ऑफ सिस्को, जैसे मैंने गूगल क्रोम खोला हुआ है आपके सामने, गूगल क्रोम में एक टैब है जिसके अंदर मेरी गूगल स्लाइड है, प्रेजेंटेशन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक दूसरा टैब है जिसके अंदर मेरी एक माइक्रोसॉफ्ट की साइट खुली हुई है वॉल्यूम लाइसेंसिंग की। अब गूगल क्रोम में कोई तो ऐसा प्रोसेस होगा जो डिफाइन कर रहा है कि इस टैब के अंदर जो चल रहा है वो एक अलग चीज़ है, इस टैब में जो चल रहा है वो एक अलग चीज़ है, मतलब अलग अलग प्रोसेसेस हैं, इसमें मैं कुछ और काम कर रहा हूँ, इस टैब में मैं कुछ और काम कर रहा हूँ, है ये क्रोम का ही पार्ट, अलग अलग प्रोसेस हैं, अलग अलग टैब में अलग अलग प्रोसेसेस चल रहे हैं। ऐसे ही OSPF जब हम रन करते हैं तो उसमें कई सारे प्रोसेस हो सकते हैं, प्रोसेस कितने हो सकते हैं आप देखिए, इसके अंदर आपको बता रहा है 1 से 6, 5, 5, 3, 5 तक बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। तो हर प्रोसेस का अपना एक काम होता है, अपना एक वर्क होता है। अभी जो हम प्रोसेस सिलेक्ट करेंगे उसका काम होगा कनेक्टिविटी बनाना दो कंप्यूटर, दो आपस में नेटवर्क की कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो हर प्रोसेस जो होता है वो लोकली वर्क करता है, उसका दूसरे राउटर के प्रोसेस से कोई भी मतलब नहीं होता। प्रोसेस आईडी की एक बार डेफिनेशन रीड करते हैं,
Cisco IOS software can run multiple OSPF process on a same router and the process ID merely distinguish one process from another. साफ सी बात कि हर प्रोसेस का अपना एक पर्पज हो सकता है, अपना एक मतलब हो सकता है. द प्रोसेस आई डी इज लोकल टू द राउटर एंड टू ओ एस पी एफ नाइबर राउटर कैन हैव डिफरेंट ओ एस पी एफ प्रोसेस आई डी. मतलब मेरे इस नेटवर्क डायग्राम में दो राउटर हैं, दोनों की अलग अलग प्रोसेस आई डी भी हो सकती है, दोनों की सेम प्रोसेस आई डी भी हो सकती है. उसका इस आपस में कोई मतलब नहीं है. प्रोसेस आई डी मतलब वो काम, प्रोसेस आईडी हमने डिफाइन करी, उसके बाद जो काम हम उसको अलॉट करेंगे वो उसके ऊपर काम करेगा. ठीक है, प्रोसेस आईडी का कोई यूज नहीं है, कहने का मतलब ये. प्रोसेस आईडी फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ 100 मैंने डाल दी, अब इसने ले लिया. अब सेकंड काम हम रिप में क्या करते थे, मैं रिप को इसलिए बीच में लेके आ रहा हूँ ताकि आप याद रख सकें कि रिप में क्या था, इसमें क्या है. नेक्स्ट बार मैं भी EIGRP जब आपको पढ़ाऊंगा तो दोबारा मैं डिस्कस करूंगा कि मैंने उस लास्ट टाइम आपको क्या बताया था. तो रिप में हमने नेटवर्क एडवर्टीज करे थे, ये वाला नेटवर्क और ये वाला नेटवर्क. अब हम एडवर्टाइज करेंगे, कैसे करेंगे, नेटवर्क, नेटवर्क आईडी लिखेंगे 192.168.0.0 सॉरी 1.0, ये है नेटवर्क आईडी इस नेटवर्क की. अब नॉर्मल केस में हमें क्या लिखना चाहिए, यहाँ पे सबनेट मास्क लिखना चाहिए. रिप के केस में भी हम ऐसा करते थे, मगर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा. यहाँ पे क्या होगा, वाइल्ड कार्ड मास्क. सबनेट मास्क की जगह ले ली वाइल्ड कार्ड मास्क ने. वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होता है, चैप्टर 2 में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था. अगर आपने नहीं फॉलो किया शुरू से तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि वो वाली वीडियो आप देखें, तब आपको पता लगेगा वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होता है. जस्ट फॉर रेफरेंस, वाइल्ड कार्ड मास्क इज जस्ट अपोजिट ऑफ सबनेट मास्क. सबनेट मास्क का जस्ट अपोजिट है. ठीक है, तो वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा, सबनेट मास्क क्या होता है इसका. सबनेट मास्क होता है 255.255.255.0. वाइल्ड कार्ड मास्क जस्ट अपोजिट है तो क्या होगा, 0.0.0.255. अब मैं एंटर करूंगा, क्या ये ले लेगा, नहीं लेगा, करके देखते हैं. इसने बोला इनकम्प्लीट कमांड. क्यों इनकम्प्लीट कमांड, क्योंकि हमने एरिया तो डिफाइन किया ही नहीं. हमें यहाँ पे एरिया भी डिफाइन करना पड़ता है, एरिया बहुत जरूरी चीज है. तो हम इसको डाल रहे हैं एरिया जीरो में, एरिया जीरो अब ले लेगा. ठीक है, अगली चीज हमें दूसरा नेटवर्क डिफाइन करना है, दूसरा नेटवर्क एडवर्टाइज करना है. दूसरा नेटवर्क क्या है, 10.0.0.0. इसका वाइल्ड सबनेट मास्क क्या होगा, 255.0.0.0. वाइल्ड कार्ड मास्क जैसे इसका अपोजिट हो जाएगा तो क्या होगा, 0.255.255.255.255. सबनेट मास्क क्या होता, 255.0.0.0. इसका अपोजिट क्या होगा, 0.255.255.255. एरिया जीरो. ठीक है, इसका काम हो गया. अब यहां पे क्या करना है, हमने सेम चीज राउटर OSPF प्रोसेस आईडी कुछ भी डाल दो. वहां पे हमने डाली थी 100, यहां डाल देते हैं 101, इससे ऐसा कोई मतलब ही नहीं है. अब क्या करना है, नेटवर्क कौन सा, 10.0.0.0. इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा, 0.255.255.255. एरिया कौन सा होगा, जीरो. एरिया बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. उसके बाद नेटवर्क देखिए, जैसे ही मैं टाइप करने लगा तो एकदम से कुछ राउटिंग अपडेट आए. राउटिंग अपडेट पीरियोडिकली इसमें चलते रहते हैं. तो हम क्या कर रहे थे, हम लिख रहे थे दूसरा नेटवर्क एडवर्टाइज कर रहे थे, नेटवर्क 192.168.2.0. इसका सबनेट मास्क क्या होता, 255.255.255.0. तो इसका वाइल्ड कार्ड क्या होगा, 0.0.0.255. कभी भी नहीं लेगा, क्यों, क्योंकि हमने एरिया डिफाइन नहीं किया. ठीक है, OSPF बहुत ही सिंपल. अब कायदे से हमारे दोनों कंप्यूटर्स की कनेक्टिविटी हो जानी चाहिए. मैं इस कंप्यूटर पे हूँ, मैं पिंग करता हूँ, पिंग 192.168.1.10. पहला आर्प के लिए ड्रॉप हो सकता है. आर्प क्या है, इसकी वीडियो हमने देखी थी. ये लो, पिंग आ गया.
कनेक्टिविटी सक्सेसफुल डन, इधर से चेक करना है आपको 2.10। कनेक्टिविटी डन, तो ये तो आपने देखा कि OSPF कन्फिगर कैसे करते हैं। इंपॉर्टेंट बात कौन सी थी, प्रोसेस आईडी जो मैटर नहीं करती, उसके बाद एरिया जो कि मैटर करता है, एरिया सेम होना चाहिए, एरिया जीरो तो मैंडेटरी है। तो हमने अभी हमारा छोटा सा नेटवर्क था, सिर्फ दो राउटर थे, तो हमने एरिया जीरो बैकबोन एरिया को ही लिया है। बहुत सारे राउटर ऐड करते चले जाते हैं, तो इसको डाल देते एरिया जीरो, फिर डाल देते एरिया वन, फिर डाल देते एरिया टू, ठीक है। तो एरिया जीरो हमने देखा, उसके बाद हमने वाइल्ड कार्ड मास्क का कंसेप्ट देखा इसके अंदर, उसके बाद हमने क्या देखा, पीरियोडिक अपडेट जो आ रहे थे वो देखा। अब जाते हैं स्लाइड्स पे। स्लाइड बोलता है राउटर आईडी, जो कि हमने जानना है राउटर आईडी क्या होती है। पहले मैं आपको, हर राउटर की अपनी एक राउटर आईडी होती है। अब इस राउटर पे जाके मैं इस राउटर की आईडी देखता हूं कि इसके पास क्या आईडी है। मैं एक कमांड चलाता हूं एग्जिट करके, डू शो आईपी ओएसपीएफ नाइबर, एग्जिट करते हैं, यहां चलाते हैं शो आईपी ओएसपीएफ नाइबर। देखिए राउटर नंबर वन के पास दिखा रहा है कि मेरा नाइबर कौन है, मेरा नाइबर है 192.168.2.1, मतलब कि ये वाला राउटर। इस राउटर को एक नाम दे दिया 192.168.2.1, तो ये नाम आया कहां से, ये एक आईपी इसने पिक कर लिया और आईपी जो है इसकी आईडी बना दी। मतलब राउटर वन ये समझ रहा है कि जो मेरा पड़ोसी राउटर टू है उसका नाम है 192.168.2.1, तो ये नामकरण हुआ कैसे, ये इसको नेटवर्क राउटर आईडी मिली कैसे, इसका मिलने का कंसेप्ट क्या होता है वो देखते हैं। हर राउटर की अपनी एक राउटर आईडी होती है। OSPF के केस में ईच OSPF राउटर इज असाइंड अ राउटर आईडी, अ राउटर आईडी इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग। इन तीन चीजों में से राउटर आईडी निकाली जाती है। सबसे पहला रूल, ये तीनों रूल हैं कि राउटर आईडी क्या होगी। किसी भी राउटर का जब राउटर को कोई नेम दिया जाता है, कोई नाम दिया जाता है, राउटर आईडी दी जाती है, तो उसका रूल नंबर वन क्या है, सबसे पहले तो वो देखेगा कि क्या एडमिनिस्ट्रेटर ने, मतलब कि आपने और मैंने, हम में से किसी ने क्या कोई राउटर आईडी मैनुअली दी है यूजिंग द राउटर आईडी कमांड अंडर द OSPF प्रोसेस। क्या कोई राउटर आईडी दी है, अभी तक हमने कोई राउटर आईडी दी थी, नहीं दी थी, दी नहीं है, तो रूल नंबर वन तो अप्लाई हुआ ही नहीं। सेकेंड रूल कहता है यूजिंग द हाइएस्ट आईपी एड्रेस ऑफ राउटर्स लूप बैक इंटरफेस। अगर हमने कोई लूप बैक इंटरफेस बनाया है, लूप बैक इंटरफेस क्या होता है आपको पता है, आप में से कईयों को पता होगा लूप बैक इंटरफेस, जैसे कंप्यूटर के केस में होता है 127.0.0.1 सेल्फ पिंगिंग के लिए, सेल्फ टेस्टिंग के लिए लूप बैक बनाया जाता है कि हम अपनी कनेक्टिविटी पहले चेक कर लें कि हम ठीक हैं कि नहीं है। अगर हमने कोई लूप बैक एड्रेस बना रखा है तो उसका हाइएस्ट आईपी उठाएगा। क्या हमने कोई लूप बैक एड्रेस बनाया था, अभी नहीं बनाया था, तो रूल नंबर टू भी अप्लाई नहीं होगा। रूल नंबर थ्री बोलता है यूजिंग द हाईएस्ट आईपी एड्रेस ऑफ राउटर्स फिजिकल इंटरफेस। ये बिल्कुल हमने किया है, हमने हर इंटरफेस को आईपी दिए हैं और वो बोल रहा है कि जो हाईएस्ट आईपी होगा उसमें वो राउटर का राउटर आईडी बनेगा। अब मैं राउटर नंबर टू की हमने आईडी देखी जो कि थी 192.168.2.1, तो मैंने इस इंटरफेस को आईपी दिया है 10.0.0.2, इस इंटरफेस को आईपी दिया है 192.168.2.1, तो इनमें से हाईएस्ट क्या हुआ, ऑब्वियसली 192.168.2.1 इज अ हाईएस्ट आईपी, तो ऑटोमेटिकली इस राउटर को राउटर आईडी मिली 192.168.2.1। अगर यहां पे होता 9.0.0.1 और यहां पे होता, यहां पे तो यही है 10.0.0.2, तो हाईएस्ट आईपी कौन सी हो जाती, 10 वाली, तो इसकी राउटर आईडी क्या हो जाती, 10 वाली, ठीक है। अभी
जो मैंने आपको दो रूल और बनाए बताए कि लूपबैक एड्रेस अगर हम क्रिएट करते उसका वो हाईएस्ट आईपी उठाता, और मैंने बताया कि राउटर आईडी अगर हम क्रिएट करते तो वो सबसे पहले राउटर आईडी उठाता। सबसे पहले क्या देखेगा, राउटर को राउटर आईडी चाहिए, सबसे पहले क्या देखेगा कि क्या मैन्युअली कोई आईडी दी गई है, दी गई है तो उठा लो, बात खत्म हो गई। नहीं दी हुई तो क्या कोई लूपबैक एड्रेस क्रिएट है, लूपबैक एड्रेस क्रिएट है तो उसकी हाईएस्ट आईपी उठा लो, लूपबैक एड्रेस भी क्रिएट नहीं किया हमने। उसके बाद वो थर्ड रूल पे आ गया कि फिजिकल इंटरफेसिस पे आईपी दिए गए हैं, बिल्कुल दिए गए हैं तो उसका हाईएस्ट आईपी उठा लो। तो हाईएस्ट आईपी क्या था, 192.168.2.1 उसने उठा लिया और उसको बना दिया राउटर आईडी। तो ये था राउटर आईडी कैसे सिलेक्ट की जाती है उसका रूल। अब लूपबैक एड्रेस कैसे बनाते हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, मैनुअली राउटर आईडी कैसे बनाते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, लूपबैक इंटरफेस जनरेट करेंगे, तब राउटर आईडी चेक करेंगे कि उस समय राउटर आईडी क्या दी। इसी तरीके से ओएसपीएफ जब प्रोसेस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो राउटर आईडी क्या आ रही है जब मैनुअल हम क्रिएट कर रहे हैं वो भी हम देखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे ओएसपीएफ को डिस्कस करेंगे और कुछ जो रह गया है वो भी कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।